चीज कर सकते हैं आप। तो ये मेरा हाईली प्रोडक्टिव है, मैं हाथ लेफ्ट में करूंगा किताब आएंगी। और किताबें भी आप जैसे मेरे को 12th तक तो मैंने यार ज्यादा किताबें पढ़ी नहीं, मैं सिर्फ हिंदी की किताबें पढ़ता था, मुझे अच्छी लगती थी हिंदी पढ़ने, तो मैं हैरी पॉटर हिंदी में पढ़ी है, मतलब मैं उस लेवल का हिंदी फैन हूँ। और मैं DPS में पढ़ता था, तो तुम सोच सकते हो कुछ दोस्त कभी कभी हंसते भी थे। तो फिर जब कॉलेज में आया तो पता चला कि सेल्फ ग्रोथ बुक कुछ पढ़नी चाहिए, उनसे हेल्प होती है। पढ़ना स्टार्ट किया पहले ऑडियो बुक उठाई मैंने, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते थे बड़ा टाइम लगता था, ऐसा नहीं समझ में नहीं आती थी यार, लेकिन अच्छे नंबर आ रखे थे हमारे इंग्लिश में, बट यूँ लगता था यार कब होगी ये किताब खत्म। और दूसरे चैप्टर में नींद आती थी ऐसे, फिक्शन तो पढ़ ही नहीं सकता, सेल्फ ग्रोथ में भी नींद आती थी। तो मैंने कहा ऑडियो बुक 8 घंटे में किताब खत्म, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो ऑडियो बुक पढ़ी, अब रियलाइज ये हुआ कि यार पढ़ तो ली पर 4 दिन बाद भूल गए सारी चीजें, मतलब कुछ कुछ ही याद है। तो बहुत धीरे धीरे रियलाइज, फिर मैंने और भी एक्सपेरिमेंट किया, ऑडियो बुक के साथ किताब सामने रख लो, सुन रहे हो साथ में रीडिंग भी अब कर रहे हो, तो डबल डबल हो गया, फास्ट भी हो गया। आखिर में जो मजा किताब को खोल के अंडरलाइन करने में है, क्या है कि यार आपको सिर्फ पढ़नी नहीं है, आपको याद भी रखनी है चीजें। और आप एक बार रीड मारोगे, ये भी एक फैक्ट है, आप सिर्फ 10% रिटेन कर पाते हो। तो यू हैव टू रीड अ बुक 10 टाइम्स इन ऑर्डर टू कि आपको वो सारी की सारी चीजें पॉइंट याद। तो मेरा लकीली सेमिनार के माध्यम से हो जाता है, पर फिर भी आप इतनी सारी किताबें बार बार, और ये कोरोना आ गया, नहीं तो मेरा यूं है कि ये जो इतना स्लॉट आपको दिख रहा है ये वीक का है। अब ये नहीं कि मैं इतनी किताब पढ़ जाता हूँ, मैं बड़ा सिलेक्टिव रीडर हूँ, हो सकता है किसी किताब के 5 पन्ने पढ़ूँ, हो सकता है किसी के 2 चैप्टर पढ़ूँ, किसी के 3, जो जो अच्छा लग रहा है। सिलेबस की थोड़ा ना है, 10 चीजें पे थोड़ा ना लाना है, जो सीखने के लिए जो चैप्टर अच्छे लग रहे हैं वो चीज करते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है, अब सोल्यूशन पता नहीं यहाँ पर है रखा है या कहाँ पे, मुझे लाना पड़ेगा शायद अलमीरा से, ले आता हूँ वरना दिखेगा नहीं। थोड़े बहुत पढ़े हूँ तो अब सॉल्यूशन इनका ये है कि आप इनके नोट्स बना सकते हैं कुछ इस प्रकार के, या क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, बुक्स के नोट्स कौन बनाते हैं, क्या कितनी मोटी किताब है, आप उसको 2 से 6 पन्नों में ऐसे लिख सकते हो। तो अब इसके 10 बार रिवीजन हो सकते हैं, ठीक है, आपने ये बना लिए, ये बना लिए, ठीक है। तो पहले तो मैंने इसको खुद टाइम लगाया कि यार है ना अपने नोट्स में बना लेता हूँ और अच्छा लगेगा, वो बना नहीं पाया मैं, बड़ा हैवी प्रोसेस है यार नोट्स बनाना अपने आप में, किताब पढ़ पढ़ के। तो मैंने फिर इसके लिए एक व्यक्ति रिक्रूट कर लिया, तो देयर इज अ पर्सन इन माई कंपनी नाउ जो कि किताब पढ़ता है, उसके नोट्स बना लेता है, फिर मेरे को समरी यहाँ सामने बैठ के बताएगा, और मीन वाइल मेरे सामने नोट्स होंगे, तो मैं उन नोट्स को दनादन बनाने पढ़ देगा। मैं अगर खुद कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं उसके अंदर कई कुछ चीजें मार्क वगैरह कर लूंगा, पर्चियां लगा दूंगा, ये येलो वाली जो स्ट्रिप होती है कि वो इम्पोर्टेंट पेज वापस देखना हो, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो मेरे 10 रिविजन भी हो जाते हैं।